कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान के बयान बदलने पर बवाल शुरू हो गया है। सबसे पहले विनेश फोगाट ने इस पर चुप्पी तोड़ी। विनेश ने कहा, डर और भय के माहौल में क्या बेटियों को इंसाफ मिल पाएगा? ये बेटियां एक एक करके हिम्मत न हार जाएं। इंसाफ की इस लड़ाई में हो रही देरी के कारण परमात्मा सबको हिम्मत दे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, पोक्सो एक्ट में केस वापस नहीं हो सकता, कोर्ट में बयानों में हेराफेरी की जा सकती है। 2 महीने से भारत सरकार इस मुद्दे में लगी रही, पूरी मीडिया लगी रही, लगातार पहलवानों को बदनाम करते रहे। एक नाबालिग बच्ची क्या भारत सरकार का मुकाबला कर लेगी? इनको शर्म नहीं आई। अगर ब्रजभूषण पर उसी वक्त कार्रवाई हो जाती तो क्या पीड़िता अपने बयान बदलती? धीरे धीरे पहलवानों को ही गलत साबित कर दिया जाएगा, ब्रजभूषण को पाक साफ करार कर दिया जाएगा। नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण पर लगा यौन शोषण के आरोप वापस ले लिए हैं, अब सिर्फ भेदभाव की शिकायत रखी है। इससे ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे बजरंग पूनिया, साक्षी मल्लिक और विनेश फोगाट को झटका लगा है। नाबालिग पहलवान के बयान बदलने से ब्रजभूषण के ऊपर लगा POCSO एक्ट हट जाएगा। ऐसे में अब कानून ब्रजभूषण की तुरंत गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होगी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।